आ नेत्री पूनम पंडित जी आए और अपना संबोधन दे। पूनम पंडित जी सबसे पहले जितने भी मेरे बुजुर्ग और मेरे माता बैठी हुई है मंच पर, मैं सभी को हाथ जोड़कर कर सर झुका करके नमन करती हूँ कि मुझे इस परिवार में और इस गांव में, इतना चर्चित गांव ये है, और मैं धन्यवाद करती हूँ सामाजिक जनहित कल्याण समिति पूरी टीम का, इनकी और दलजीत सिहाग भाई जो है उनकी घरवाली का, कि उन्होंने मुझे इस गांव से रूबरू कराया जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और ये अपने आप में खूबसूरती भी रखता है, क्योंकि हिंद केसरी कहे जाने वाले चुंदगी राम जी इसी गांव से ताल्लुक रखते थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिन्होंने पद को ही ठुकरा दिया था, देवीलाल जी, वो भी आकर के बैठकर यहाँ पर हुक्का पी देते। मैं ऐसे बड़े महान नायकों को भी नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, जितनी भी टीम यहाँ मेरी माता बहने आए हुए हैं। देखिए, यहाँ आने का मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आई और मैं बोल करके चली गई, नहीं, यहाँ आने का मेन एक मकसद होता है कि जब जब कोई आवाज उठे, जैसे अभी बहुत सारे भाई बता रहे थे कि यहाँ पे जाना है, खेतर में धरना चल रहा है, जिसका मुझे भी पता लगा, मैं आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ी परेशानी में हूँ, सभी को ज्यादातर पता ही है, तो वहां पे कहने की अपील करनी पड़ रही है हरियाणा में। मैं हैरान हूँ इस बात को देख करके कि हरियाणा के हरियाणा में लोगों को कहने के लिए पड़ रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। आप बात को समझिए, क्योंकि आज सिर्फ खेतड़ गांव की बात नहीं है, जब 500 करोड़ का इनके पास चारे के लिए पैसा आया था गौशाला का, ये सारे को ये गपच कर करके चले गए, ऐसी आवाज, वहां पर एक भाई भी हमारे शहीद हो गए, और जिस परिवार ने आज हम सबको इकट्ठा करा यहाँ पर, क्या उस बंदे ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, दलजीत सिहाग ने नहीं, पूरे समाज की लड़ाई लड़ी थी, और मेरे हिसाब से यहाँ पे गांव में सभी उनके परिवार के लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी माहौल क्या है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हुई हूँ, लोग यहाँ पास के पास में कितना वो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ सरकार की नीतियों की नहीं है, बात यहाँ पर किसानों की और उन नौजवानों की है जो हमारे देश के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। क्या देश के नौजवानों का सम्मान वो है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के नेता विजयवर्गीय कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर उन नौजवानों को लगाऊंगा जो 4 साल की भर्ती में जाएंगे और वो वापस आएंगे वहां से रिटायरमेंट लेकर के, क्या ये देश के सेना का सम्मान है, क्या ये उस नौजवान का सम्मान है। बहुत सारे पत्रकार अभी मेरे से सवाल करते समय कह रहे कि 12 लाख रुपए मिलेंगे 4 साल में, 12 लाख रुपए मिलेंगे, क्या देश का जो नौजवान है वो पैसों के लिए काम करता है क्या सेना में? मैंने तो सुना उनमें जुनून होता है, देश के प्रति काम करने का एक जज्बा होता है, देश की संस्कृति को बचाने का जज्बा होता है। कारगिल युद्ध पहले भी हुए मेरे जन्म से, आपको भी पता है, आपने बुजुर्ग बैठे हुए बहुत देखे होंगे, क्या 4 साल में ये एक जवान को तैयार करेंगे, या कभी हमारे सीमा पे आसपास में कुछ तकलीफ होने लगी, जैसे चाइना ने 650 घर बना लिया देश में, क्या वहां बोल रहे हैं कोई, मौन क्यों है? बहुत पुराना रिश्ता लगता है, बहुत याराना भी उनका लगता है, ये समय की बात है, आप समय को पहचानिए। मैं ये नहीं बोलूंगी आप उसको सपोर्ट करिए या आप उसको सपोर्ट करिए, लेकिन आप अपनी किसानी को और युवाओं को तो सपोर्ट करिए। सबसे पहले प्रभावित होकर के हरियाणा की धरती पर पवन भाई ने आत्महत्या करी थी, करी थी कि नहीं, आप गए थे, 2-4 लोग थे इसमें, सामने भाई बैठा हुआ बबलू, वो भी गया था, मैं भी गई थी, सबसे पहले कि वो बुजुर्ग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं वो भी गए थे, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले पता है कि प्रभावित यहां से, क्योंकि हरियाणा ने बहुत से, एक अपने आप में एक अलग भूमि ये कहलाती है, क्योंकि बहुत सारे जवान देश को दिए हैं, बहुत सारा सम्मान भी देश को दिया है, इंटरनेशनल में या आप ओलंपिक लगा लीजिए, कितने सारे मेडल, और आज सबसे ज्यादा युवाओं पे मुकदमे, मैं ये नहीं कहूंगी कि और राज्यों पर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हरियाणा वालों पे, लेकिन क्यों? अभी अग्निपथ के लिए जब हमारे युवाओं ने आवाज उठाई है, जब थोड़े थोड़े से, बाबा जी आप तो सारे समझदार हैं, मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, मेरे शब्द चुभे तो माफ कर दीजिएगा, बहुत उत्तर प्रदेश से भी नेता यहाँ आते थे, गले में हार झूल करके जाते थे, लेकिन जब युवाओं ने अग्निपथ का विरोध किया तो तब उन्होंने एक वो रखा कि हाँ हम भी उस बात का विरोध करते हैं,
ये एक शर्म की बात है। सही बोला था उस भाई ने कि हम मानते हैं कि आपसे हमें सम्मान मिलता है और आप एक हमें एक रूपरेखा देते हैं कि बच्चे आप ये करिए, क्योंकि आप अगर हमें रूपरेखा नहीं देंगे तो जैसे जवान लड़कों पर मुकदमे हो जाए, FIR हो जाए, सरकार कहीं ना कहीं दबोचने का काम ये करती है। तो इसीलिए युवाओं की भी बराबर की सलाह और हिस्सेदारी भी लीजिए, चाहे वो कोई भी युवा हो। जरूरी नहीं है मैं कहूं कि आप मेरे लीजिए, क्योंकि आज का दौर है, आप उनकी भावनाओं को समझिए। मेरे यहां सड़कों पर सुबह 4 बजे लड़के दौड़ लगाते हैं, घुटनों की उनकी गिरीस खत्म हो गई दौड़ दौड़ के 4-4, 6-6 साल, और आज ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती देंगे और इतना पैसा देंगे कि इतने कम उम्र में नहीं होता है। तो मैं बस यही अपील करूंगी कि एक हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लोगों से कि जब युवाओं का या देश के किसानों की कोई भी बात आए तो कहने की जरूरत ना पड़े, अगर किसी के कान में बात पड़ जाए कि वहां आंदोलन चल रहा है या वहां धरना चल रहा है, क्योंकि आपकी आवाज को उठाने के लिए नेता बाद में आएंगे, पहले आप लोग आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मंच लगते हैं, बहुत सारे, सबसे पहले मेरे सामने वाले जो है इनका बहुत योगदान होता है, सबसे पहले आप लोग आकर के उस पंडाल की और उस मंच की शोभा को बढ़ाते हो, तभी तो वहां कोई आता है यहाँ इस मंच पे। तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने आप में एकत्रित रहिए और बहुत सारे लोगों को तो बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो अपने दीन को और ईमान को बरकरार रखता है उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब कहा और कौन सी बात कैसे कही जाती है, कब कहा और कौन सी बात कैसे कही जाती है, यदि सलीका सही हो तो हर बात मानी जाती है। मैं इस बात को मानती हूँ, मैं हरियाणा की धरती पर आई हुई हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने बुजुर्गों का कि वो उत्तर प्रदेश से आई हुई बेटी को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्वाभिमान देते हैं कि आने वाले समय में भी जब जब मेरी आपको जरूरत होगी तो मैं आपके बीच में आती रहूंगी। बस आप अपनी एकता को बरकरार रखना, चाहे आज मैं हूं या ना हूं, कल मैं हूं या ना हूं, लेकिन एक बात आप देखिए, पुराने बुजुर्ग हमारे जितनी कहावतें कह करके गए हैं, किसी कहावत का मतलब गलत नहीं होता। आज के दौर में आप कोई भी कहावत उठा लीजिए बिल्कुल सच साबित होती है। तो इसलिए आप अपनी एकता को भी बरकरार रखिए। कबूतर वाली कहानी हमने पढ़ी ना बचपन में, कि एक कबूतर अकेला नहीं उड़ा सकता था उस जाल को, लेकिन जब बहुत सारों ने उस जाल को उड़ाया तो वो उड़ा करके ले गए। तो वही हमारा और आपका है। आप किसी से अपना पर्सनल मतभेद रख सकते हो, लेकिन जब बात हो किसानी की और बात हो युवाओं की तो उस मतभेद को साइड में रख करके आना चाहिए। एक भाई मेरे पास ही के थे गांव से, तो वो बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका। मैंने कहा भाई आपका जो पर्सनल मैटर है बाद में रखिएगा, ये काम है समाज का, आपको इसमें चलना होगा। बेचारा बिना कुछ बोले ही तुरंत आया इस प्रोग्राम में, तो मैं उस भाई का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी आप सब लोग एक रहिएगा और एकत्रित रहिएगा। मैं आपसे उत्तर प्रदेश से सिर्फ इसी बात को कहने के लिए आती हूँ कि आप एक रहिएगा। कोई चूक मुझसे हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ पूरी कमेटी, सामाजिक जनहित कल्याण समिति द्वारा इस रक्त शिविर को करने के लिए और मुझे और आप लोगों को मिलाने के लिए, एक परिवार को जोड़ने के लिए। धन्यवाद करती हूँ अनीता बहन का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पवन गिल भाई जी का, और हमारे बाबा जी बैठे हैं, अभी अभी मिली हूँ। मेरे को अच्छा भी नहीं लगेगा बाबा जी का नाम लेना और मुझे पता भी नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ जितने भी लोग आज इस हरियाणा की पावन धरती पर गाँव सिसाय में आए हुए हैं, सभी का दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, राम राम, जय जवान, जय जवान, इसको बुलंद रखना। बाकी सरकारें तो ऐसे हालती हुई देखी है, उम्र में से कम है, बहुत चीजें देखी हुई है, इसको बरकरार रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अभी पूनम जी एक बार 2 मिनट अनिता जी से अनुरोध करेंगे, पूनम पंडित जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी का, जो इतनी दूर से आई और हम